आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग दिल्ली के इन चार प्लेयर को कड़ेगी रिटेन। तो जानने के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और आप जान जाएंगे दबंग दिल्ली के इन चार प्लेयर को कड़ेगी रिटेन। अगर आपको भी किसी के ऊपर वीडियो बनवाना है तो जाइए कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ने मोर वीडियोस के लिए। पहले नंबर पर जो प्लेयर आते हैं जिसे दबंग दिल्ली करेगी रिटेन, तो वो है जोगिंदर सिंह नरवाल। और आप लोग पूछेंगे क्यों इन्हें पहले नंबर पर रखा है, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने कैप्टनसी बहुत ही अच्छा निभाया और अपने टीम को पहली बार प्लेऑफ में पहुंचाया। और इनको प्लेयर की नज़र से देखें तो इन्होंने कॉर्नर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और ये इस सीजन के बेस्ट कॉर्नर में भी शुमार हुए। तो चलिए नज़र डालते हैं अगले नंबर पर कौन है प्लेयर जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं। दूसरे नंबर पर प्लेयर बन के आते हैं नवीन कुमार, जिसे करेगी दबंग दिल्ली रिटेन। इनका यह डेब्यू सीजन था और यह डेब्यू सीजन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं और ये 19 साल के हैं सिर्फ, और इनका जन्म 2000 में हुआ था। तो चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे दबंग दिल्ली कर सकती है रिटेन। तो उनका नाम है रविंदर पहल। इन्हें दबंग दिल्ली जरूर ही रिटेन करेगी। और चलिए इनके बारे में कुछ बात करते हैं। इनका जन्म 7 दिसंबर 1990 में हुआ था। तो चलिए नजर डालते हैं अगले नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे दबंग दिल्ली कर सकती है रिटर्न। अगर मुझसे कोई प्लेयर का नाम छूट गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने मन से लगाया है। मुझे जो प्लेयर अच्छा लगा, जिसका रन रेट स्कोर अच्छा लगा, मैंने उसी प्लेयर को लगाया है इस लिस्ट में। अगर आपको लगता है यहाँ पर दूसरा प्लेयर होंगे तो जाइए कमेंट में बेझिझक बताइए मुझे, मैं शायद दूसरा वीडियो भी बना दूँ इसके ऊपर। तो चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन है प्लेयर जिसे कर सकती है रिटेन दबंग दिल्ली। ये रहा आपके सामने उसका पिक, वो है मिराज शेख, जिसे कर सकती है दबंग दिल्ली रिटेन। और ये सीजन 5 में दबंग दिल्ली के कैप्टन थे और दबंग दिल्ली पहली बार प्लेऑफ में पहुंची थी इस सीजन में। अगर मेरे से किसी का नाम छूट गया है तो सॉरी भाई, जाइए कमेंट में बता दीजिए उसका नाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आइडियाज़।